अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। आज की वीडियो में जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार होती है और हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 किलो चावल यूज़ करूँगी, जिनको मैंने पहले से ही पानी में भिगो लिया है। उसके बाद है मेरे पास 1 किलो चिकन, और फिर मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उनको काट लिए, और 4 मेरे पास टमाटर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तक मीडियम साइज़ ही टमाटर हैं सारे। उसके बाद एक छोटी कटोरी दही की इस्तेमाल करूँगी मैं, और एक छोटी कटोरी ही समझे मेरे पास ये बिरयानी मसाला है। और फिर मेरे पास है 4 से 5 हरी मिर्ची, और तकरीबन 1 चम्मच है नमक, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे इमली यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच, उसको भी मैंने पानी में भिगो दिया। फिर है मेरे पास 2 लीमू, और फिर है मेरे पास तकरीबन आधा चम्मच आधा चम्मच मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ जर्दा पाउडर का। और लास्ट पे है मेरे पास अदरक, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का है जिसको मैंने काट लिया। उसके बाद है मेरे पास 4 लहसुन की जवें। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बनाएंगे आज चिकन बिरयानी। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 बड़ी कटोरी ऑयल ले लिया और उसको मैंने गर्म कर लिया। इसके अंदर सबसे पहले मैं अपने प्याज ऐड करूँगी। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे हम लोग, और जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे होंगे हम लोग सेम टाइम पे जो हमारे टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची है इनका हम लोग पेस्ट रेडी कर लेंगे। इनको फ्राई होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो चलिए इनको फ्राई होने देते हैं और हम लोग पेस्ट रेडी करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो तकरीबन लाइट ब्राउन हो गए हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इनको। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। आप बीच में चेक करते हैं ना, जब ये पक जाए तो आप मतलब ज़्यादा टाइम भी लग सकता है या कम भी लग सकता है, पर मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको पकने में। तो चलिए अब हम इसे पकाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। चिकन जो है वो तकरीबन रेडी है। अब हम इसके अंदर जो है अपना पेस्ट ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके फिर से 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हम इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देते हैं अच्छे से कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो गाइज़, यहाँ पे एक तरफ हमारा चिकन रेडी हो रहा है जिसमें हमने पेस्ट ऐड किया था, वहीं दूसरी तरफ हम दही के अंदर जो अपना बिरयानी मसाला है उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले हम लोग दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें जो है अपना बिरयानी मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, हमारा ये पेस्ट भी अब रेडी हो गया है। इसमें मैंने दही और बिरयानी मसाला ऐड किया आपके सामने। अब हम इसको जो है वो चिकन में ऐड कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितना अच्छा रेडी हो गया है। तो अब हम लोग इसके अंदर अपना जो पेस्ट बनाया आप लोगों के सामने मैंने वो ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने दही और बिरयानी मसाला ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे हम लोग इमली का पानी। इमली मैंने आपको बताया था मैं यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था, तो वो इमली का पानी अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अंदर जो उसकी इमली के सीड्स वगैरह होते हैं वो मैंने निकाल दिए क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको दम पर छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके। तो चलिए अब हम 5 से 7 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा चिकन यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ वैसे ही बिना काटे। इनसे क्या होता है, एक तो लुक अच्छी हो जाती है और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है इसके अंदर। तो हमारा चिकन तो हो गया रेडी, अब बारी है चावलों को रेडी करने की। तो चलिए हम लोग चावल रेडी करते हैं, उसके लिए उनको बॉयल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चावलों को बॉयल करते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने पानी ले लिया है कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर मैं तकरीबन एक चम्मच नमक ऐड करूँगी और अब हम इसके बॉयल होने का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो पानी है वो बॉयल हो रहा है, अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। चावलों को जैसे मैंने पहले भी भिगो के रखा हुआ था, अब हम इनको ऐसे ही बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चावल जो है ना वो तकरीबन रेडी हैं, अब हम इनका जो पानी है वो स्ट्रेन कर देंगे और अपने चावल अलग कर लेंगे। सो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अपने चावलों को स्ट्रेन कर लिया है और आप चेक कर सकते हैं कि ना कोई चावल टूटा और ना ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही अच्छे से बॉयल हुए चावल हैं। तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके चावल टूटे नहीं और वो आपस में जुड़ ना जाए, तो उसके लिए नमक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले वीडियोज़ में भी ये टिप दे चुकी हूँ। तो चलिए अब हम लोगों को इनकी लेयरिंग करनी है तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने लेयरिंग के लिए कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने सबसे पहले एक ऑयल की लेयर दी है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है, बहुत थोड़ा ऑयल यूज़ किया है। उसके ऊपर मैं चावलों की लेयर दूंगी एक, आप भी ऐसे चावलों की लेयर देंगे। तो चावलों की लेयर के बाद अब हम इस पे देंगे एक चिकन की लेयर। तो चिकन की लेयर के बाद अब फिर से एक और लेयर हम लोग चावल की देंगे। आप जब भी लेयर दे रहे होंगे तब भी आप ख्याल रखिए कि चावलों को आप इस तरीके से डालें कि वो टूटे नहीं। अगर आप यहाँ पे चम्मच का यूज़ करते हैं तो उससे इनके टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो बहुत ही केयरफुली आपको चावलों से डील करना पड़ता है यहाँ पे। और अब एक चावलों की लेयर के बाद इसके ऊपर मैं हल्का सा जर्दा रंग डाल दूँगी, बस हल्का सा कहीं कहीं पर। और उसके बाद अब फिर से मैं एक चिकन की लेयर दूंगी। और चिकन की लेयर के बाद फिर से बारी है अब चावलों की लेयर की। और अगेन हम हल्का सा जर्दा रंग ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आके एक लेयर जो है वो धनिया की भी दे रही हूँ, लेयर नहीं मतलब बहुत थोड़े से, मतलब एक लेयर में वो आ जाते हैं, बट मैं बहुत थोड़ी अमाउंट में यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है आपने। उसके बाद अब चिकन, तो चिकन की लेयर के बाद हम फिर से चावलों की लेयर डालेंगे, ये मेरी लास्ट लेयर होगी चावलों की। तो चावलों की लास्ट लेयर के बाद मैं फिर से इस पे थोड़ा सा जो कलर है वो ऐड कर रही हूँ। और अब मैं धनिया यूज़ करूँगी फिर से। धनिया के बाद अब मैं इस पे जो लेमन है वो डाल दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने ना इसको थोड़ा गोल गोल लेकिन काफ़ी बारीक काटा है, तो हम लोग कहीं कहीं पे इनको डाल के अब हम इसको दम पे रख देंगे फिर। तो यहाँ पे लेमन की लेयर भी हो गई हमारी, अब हम इसको कवर करेंगे और इसको दम पे रख देंगे।
दम पे डालने के लिए मैं क्या करूँगी, जो इसका कवर है कढ़ाई का उसके ऊपर एक कपड़ा हल्का सा गीला करके रख दूँगी। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो मतलब कपड़ा है, और उसको हम लोग फिर दम पे रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इसको दम पे रखते हैं, फिर हम लोग इसको बाद में चेक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको दम से निकाल लिए, आप देख सकते हैं इसको मैं हिला लूँ ये कितने अच्छे से रेडी हो गई और कितने अच्छा इसको कलर आया है। इसको अभी से आप अच्छे से मिक्स करेंगे, पर बहुत ही केयरफुली आपको इसको ऐसे मिक्स करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर इसको हम लोग डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल लुक देखते हैं। सो गाइस ये है फाइनल लुक हमारी बिरयानी की। आप देख सकते हैं इसको कितना अच्छा कलर आया और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।